वंदे मातरम स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने पेज नंबर 22 की रीडिंग करी थी, आज हम पेज नंबर 23 की रीडिंग करेंगे। माउस, ये माउस की पिक्चर है। अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। अ कंप्यूटर माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। कंप्यूटर माउस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। हेल्प्स यू टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर एंड टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मोनिटर स्क्रीन। अब माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसकी हेल्प से हम कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती हैं, उनके अंदर कलर कर सकती हैं, एंड टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट थिंग्स, और किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द मोनिटर स्क्रीन, जो मोनिटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर। इट ऑलवेज सिट्स ऑन द माउस पैड। ये हमेशा कहाँ पे रखा जाता है? माउस पैड पे। कहाँ माउस पैड होता है उसी के ऊपर हमेशा इसको रखना चाहिए। सीपीयू को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हम अपना कुछ भी काम अपने ब्रेन से करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर अपना हर काम सीपीयू के अंदर जो वह काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा डालते हैं, वो सीपीयू उसके ऊपर काम करता है, तभी वो आगे हमें आउटपुट के रूप में कुछ भी चीज़ रिजल्ट हमें देता है। सीपीयू ही एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। सीपीयू परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। सीपीयू किसके अकॉर्डिंग काम करता है? जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जैसे हमने 2+2 दिया है कंप्यूटर को प्लस करने के लिए, अब सीपीयू उसके ऊपर काम करेगा, उसको प्लस करेगा, तभी वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। एंड कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू ही है जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। किस पार्ट को कंट्रोल करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड एटसेट्रा, और भी कई पार्ट्स को। वाओ 4G, यूअर ऑल पार्ट्स आर सो अमेजिंग। अब श्रेया बोल रही है कि 4G किसको बोल रही है? वो 4G एक कंप्यूटर को, कि आपके सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। अब कंप्यूटर कह रहे हैं वेल सेड श्रेया। कंप्यूटर कह रहे हैं हाँ, तुमने अच्छा ठीक कहा श्रेया। अब आपका लेसन हो गया कंप्लीट। कल से हम एक्सरसाइज सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे।